आपको अच्छा लगता है ना बेटा? अच्छा लगता है ना बेटा? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका सनी फैमिली ब्लॉग में। और आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और हल्की हल्की ना ठंड सी स्टार्ट हो गई है। तो आप देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है, टप 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 टप, सारी रात हो गई बारिश आ रही है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और आज हमारे अम्मा का एग्ज़ाम भी है तो टेंशन भी हो रही है कि पता नहीं बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी, लेकिन जाना तो बहुत ज़रूरी है। अभी भी बच्चे जाने लग रहे हैं तो अम्मा का तो 8 बजे से है एग्ज़ाम स्टार्ट, तो उसको मैं अभी उठाऊँगी। और टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं पूरे और मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया है आज उठने में। पता नहीं आँखें नहीं खुली, मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि पता ही नहीं चला क्या टाइम हो रहा है। पूरे 7:45 बजे आँखें खुली है मेरी और अभी बस मैं उसको उठाऊँगी। कुछ बच्चे तो जाने लग रहे हैं बारिश में ही, क्या करें, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, बच्चों के जाना भी ज़रूरी है। वैसे तो चलो छुट्टी कर लेते हैं, इतनी जगह बारिश आ रही है ना तो छुट्टी भी हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखते हैं, बस मैं भी आदि को उठाऊँगी। सॉरी अम्मा को, आदि की तो मैसेज आ गया है कि छुट्टी है आज क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो आदि तो आराम से सोएगा और अभी मैं उठा देती हूँ अम्मा को। अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़, कभी तेज़ आ जाती है कभी हल्की हो जाती है, बस ऐसे ही हो रहा है। लेकिन आ रही है लगातार रात से, तो ये देखिए कितना पानी आ रहा है उस पाइप से। तो बस चलते हैं अंदर अपना, उठाते हैं अम्मा को। अम्मा बेटे उठो, चलो अम्मा। बेटे 7 बज गए, जिन बच्चों का 7:20 से स्कूल है वो चले भी गए हैं स्कूल में। बेटा चलो उठो 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 जल्दी से, फिर ज़्यादा लेट हो जाओगे। चलो उठो बेटे जल्दी से। गुड मॉर्निंग। अभी मैंने छाता वाता सब निकाल दिया, कपड़े वपड़े सब तैयार करके रख रखे हैं, बस आपको रेडी होना। देखो कितनी तेज़ आ गई एकदम से, है ना, आई ना बहुत तेज़ आवाज। हाँ 7 बज गए, चलो उठो बाहर आ जाओ। और हमारा आदि देखिए कितने मजे से सो रहा है, दूध मैंने दे दिया था इसको और अब ये सोता रहेगा। अरे उठना नहीं है, सो जाओ आज आपकी छुट्टी है, दू छुट्टी है आज आपकी छुट्टी है मेरे बच्चे की। नहीं सो जाओ, कोई नहीं उठा रहा आपको, सो जाओ नहीं। सोना नहीं है नहीं। स्कूल जाना है, हैं स्कूल जाना है। आज मैम ने छुट्टी डाल दी स्कूल की, मैसेज आया है कि आदि को आज स्कूल नहीं आना है, छुट्टी है आज, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है बहुत तेज। चलो लेट जाओ सो जाओ। आपको अकेले जाना है क्या स्कूल में? सब बच्चे तो घर पे रहेंगे, मैम भी घर पे रहेंगी, सारी टीचर्स भी, आपको अकेले जाना है स्कूल में? सो जाओ, देखो आंखें नहीं खुल रही, स्कूल जाएगा पर। सो जाओ बेटा, अपने तकिए पे लेट जाओ, अपने तकिए पे लेट जाओ मेरे बच्चा भी। चलो निन्नू कर लो, आ जाओ। तो फ्रेंड्स मैं भी आ गई हूँ नहा के और ये देखिए ये भी हो गया है तैयार और बारिश लगातार आ रही है। अभी ये जाएंगे, मैं तो गाड़ी में जाऊंगा अन्ना, ठीक है, और मैं दिल्ली से दिल्ली स्कूल पहुंच जाऊंगा अन्ना, मैं पापा जी को क्या कहता हूं, बाय बाय। हां और उधर से मामी जी के बच्चे भी जा रहे हैं क्योंकि उनका भी एग्जाम है, उनकी बड़ी बेटी, सॉरी उनकी छोटी बेटी और उनके बेटे का एग्जाम है, तो उधर पानी भर रहा है तो कह रहे हैं पापा जी दूसरी साइड को जाएंगे, थोड़ा सा लंबा है रास्ता लेकिन उधर पानी नहीं भर रहा है, जिधर को शॉर्ट रास्ते से जाते हैं ना तो उधर पानी भर रहा है बहुत ज़्यादा गलियों में। तो अभी बस में भी इधर ही आने लग रहे हैं अपना छाते से और अभी फिर तीनों निकल जाएंगे गाड़ी से। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में और आदि हमारा भी सो रहा है, चाय वगैरह हो गई है सबकी, पूजा पाठ सब हो गया है। तो जैसे मैं पूजा कर रही थी ना, ये मम्मी ने चौकी निकाल के रख दी थी माता जी की, तो नवरात्रे आ रही हैं उनके माता जी को विराजमान करेंगे चौकी से। तो जैसे मैं पूजा कर रही थी अचानक ही आइडिया आया मेरे दिमाग में
की ये जो चौकी है, चलो इनको इस बार डेकोरेट करते हैं, कुछ अच्छा सा इनको मतलब सुंदर सा बना देते हैं। तो जैसे हर बार मम्मी चौकी लगाती है ना, तो इन पे कुछ जैसे डेकोरेटेड पेपर होते हैं वो चिपका देती है या अखबार वगैरह ऐसे चिपका के फिर माता जी को विराजमान करती है। लेकिन इस बार बस अचानक से ये आइडिया आया मुझे, मतलब जैसे ही मैंने ये पटरी देखी और फैब्रिक भी मेरे पास रखा हुआ था ये रेड कलर का, तो बड़े वाली चौकी पे डालते थे इसको, लेकिन मैं उसके लिए बड़े वाली चौकी के लिए नया लेकर आ गई थी। तो बस अचानक से ही प्लान बन गया ये करने का। तो अभी बस देखिए यहाँ पे मैं करने लग रही हूँ जो चौकी है इसको डेकोरेट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पीछे की साइड लगा लिया है फेविकोल, और बहुत अच्छे से फेविकोल से बहुत अच्छे से हमारा जो ये फैब्रिक है चिपक गया है, और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है चिपक के। और अभी बस देखें दूसरी तरफ से भी हम इस तरीके से काट के इसको चिपका लेंगे। और जैसे मैं ग्लूगन ढूंढने बैठी ना, मुझे बिल्कुल नहीं मिला ग्लूगन। स्टिक तो मुझे उसकी मिल गई लेकिन वो नहीं मिली, लेकिन वो ये है कि कोई जब चीज़ जल्दी में ढूंढते हैं ना तो मिलती नहीं है बिल्कुल भी, और फिर कुछ टाइम बाद ना अपने आप ही मिल जाती है रखी हुई। तो बस अभी यहाँ पे फेविकोल का ही यूज़ करके मैंने बहुत अच्छे से जो हमारा फैब्रिक है वो चिपका लिया है, और बहुत अच्छे से चिपक भी गया है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उतर रहा है बार बार। तो अभी बस आप देख सकते हैं मैंने ऊपर और नीचे की साइड तो फैब्रिक जो अपना अच्छे से चिपका लिया है, और अभी साइड्स रह रही है तो उन पे भी मैंने अच्छे से जो फेविकोल है अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और ये फैब्रिक हमारा अच्छे से चिपक रहा है। और आइडियाज़ तो मेरे दिमाग में और भी आ रहे थे कि जैसे अगर मेरे पास लेस होती तो मैं वो भी इसके चारों साइड लगा देती और बहुत सुंदर हमारी चौकी तैयार हो जाती, लेकिन अब भी ये जो कपड़ा है ना हमारा का शाइनिंग वाला है तो इससे बहुत सुंदर लग रही है। और अगर लेस होती तो सच में कुछ और ही बात होती, लेकिन अभी है नहीं तो बात नहीं। अगर देखते हैं अगर बच्चों के डैडी आए और इस वीक आए तो उनसे मंगा लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही अपना काम चला लेंगे। तो अभी बस एक साइड से हमारी चिपक गई है और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही इसको चिपका लेंगे। तो अभी देखते जाइए आप कितनी सुंदर बनकर तैयार होगी हमारी माता जी की चौकी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माता की चौकी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन बाद में जैसे ये फेविकोल सूखने लग रहा था तो फैब्रिक वहीं से ना उतरने लग रहा था, फिर बाद में मैंने इसके ऊपर जो चौड़े वाला सेलो टेप होता है वो चिपका दिया है, और बैक साइड है तो दिखाई भी नहीं देगा, और हमारी जो पेस्टिंग है वो भी हमारी काफ़ी मजबूत हो गई है। तो अभी बहुत अच्छे से ये तैयार हो गई है और बिल्कुल भी हमारा जो फैब्रिक है नहीं उतरेगा। तो आप प्लीज़ एक बार देखना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी जो चौकी है माता की कैसी लगी है, और लाइक जरूर कर दे। फ्रेंड्स हमें को भेजने के बाद फिर देखे आदि भी हमारा उठ गया था, और अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए, और नाश्ते में है पेठे की सब्जी और बना रही हूँ पराठे। तो दो तीन तो बन गए हैं, अभी दो और रह रहे हैं। और आप लोग क्या खाना चाहेंगे पेठे की सब्जी के साथ, पूरी या पराठे, जो कुछ भी आप खाना चाहेंगे वही मैं बना दूँगी। तो अब आ जाइए फटाफट से नाश्ता कर लीजिए। ऐदू बाबा जी, बड़ी मम्मा को आवाज़ लगा दी आपने, ये तो बाद में चलाना लाइटर, तो आवाज़ लगाओ बाबा जी बड़ी मम्मा को, नाश्ता कर लो, लगा देना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ। अच्छा नाश्ता कर लो। बताओ क्या खा रहे हो आप। बैठा खा रहा हूँ। बैठो। बैठा। वो आप भी आ जाओ फटाफट से। आपको अच्छा लगता है ना बेटा। अच्छा लगता है ना बेटा। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको अच्छा लगता है ना बेटा। हाँ। है ना, चलो चलो है ना। तो नाश्ता भी हम सबका हो गया है, और अभी टाइम हो गया है 9:45, और फटाफट से बस मैं लगाने लग रही हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर मुझे अम्मे को भी लेने जाना है। तो 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, और मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है 10:30 बजे, तो 5-7 मिनट पहले मुझे भी निकलना पड़ता है। और अभी बस फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज ही देखिए हमारा बोल रहा था मम्मा गाने चला दो, मुझे डांस करना है, तो ये वाला गाना इसका फेवरेट है बहुत ज़्यादा।
बार बार लैपटॉप में भी इसी को चलवाता है और टीवी में भी। तो बस अभी आधी करने लग रहा है और फटाफट से लगा ले रही हूँ अपनी झाड़ू। चल झाड़ू मैंने लगा दी है और अभी 10:45 बजने वाले हैं। अम्मा का एग्ज़ाम है, ख़त्म हो गया होगा, अभी छुट्टी हो गई होगी, तो बस अभी चलती हूँ उसको लेने। और पोछा आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि लगाओ तब भी ऐसा, नहीं लगाओ तब भी ऐसा। तो अभी बस मैं लेने चलती हूँ अम्मा को। देखिए पूरे गाना पूरे 10:45 बज गए हैं। हाँ जी बेटा बोलो। नहीं नहीं आप भीग जाओगे, आप ऊपर जाओ बड़ी मम्मा बाबा जी के पास चलो। नहीं भीग जाओगे आप, नहीं गंदी बात है ना जितनी करते ना। अब मैं चल रही हूँ, लेट हो जाएगा फिर भैया। नहीं आप नहीं जाओगे, मैं चल रही हूँ ठीक है। तो बस चलते हैं अभी, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बेटू नहीं बच्चू आप इसको वो स्कूल बोल रही हूँ, ऊपर चले जाओ जाओ। अपने स्लीपर कहाँ है आपके, ऊपर छोड़ के आ गए, लेके तो आओ ऊपर से उनको, चलो लेके तो आओ। हालत देखिए अपनी क्या हो रही है, क्या हो रही है बताओ। आके ना जब मैं आ जाऊंगी आपको नहलाऊंगी ठीक है ओके। अच्छा चप्पल तो पहन के आओ। नहीं जा रही हूँ। तो अभी आदि चला गया है और मैं जल्दी से निकल जाती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा रोएगा। तो जी आ गया है अमय स्कूल से और हल्की फुल्की बारिश आ रही थी, थोड़ा सा भीग ही गए। और ये देखे हमारा आदि इतना रो रहा था कि दूसरी गली में भी जब मैं गई ना वहां तक भी आवाज आ रही थी, है ना आदि। क्यों रो रहे थे आप इतना जोर जोर से, क्यों चिल्ला रहे थे। चलो ठीक ठाक हुआ एग्जाम, तो बच्चों के आने के बाद बस मैं लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी में। और जैसे बच्चे आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और वही पूछना पड़ता है कि क्या हुआ है स्कूल में, कैसा एग्ज़ाम हुआ है, तो वही सब मैंने पूछ लिया है। और आपने देखा भी होगा कैसे बता रहे थे मम्मा अच्छा हुआ है, हुआ हुआ। तो बस अभी मैं बना रही हूँ खाने में पपीते की सब्ज़ी, और साथ ही साथ जैसे सब्जी में तड़का लगा दूँगी तो आटा भी तैयार करके रख दूँगी। और मम्मी पापा जी लग रहे हैं ऊपर, अलमारी क्लीन कर रहे हैं पापा जी अपनी, जो जिसमें उनके कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, तो मम्मी भी उनकी हेल्प कर रही है। तो बस जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। अधु चलो बेटा खाना खाते हैं। बिल्ली दे दो। बिल्ली नहीं, पहले खाना खा लो फिर बिल्ली से खेल लेना, है ना। पता है मैंने क्या बनाया है, पपीता। आपको पता है अच्छा, तो चलो फिर आ जाओ बाहर। बिल्ली बिल्ली बाद में खाएगी, इसकी टमी फुल हो रही है। चलो तो फ्रेंड्स 1 बज गया है, खाने का टाइम भी हो गया है, और अब मैं दे देती हूँ इनको खाना। सब्जी बन गई है, आटा तैयार कर दिया था मैंने, और अब मेरे को लग रही है भूख, क्योंकि आज मैंने ना सुबह दूध के साथ बिस्किट खा कर गया था और एक बिस्किट का पैकेट लेके गया था बस, तो वो खा लिया था आते हुए, और उसको बहुत तेज भूख लग रही है। मेरा कान क्यों पकड़ रहे हो। तो चलिए बस अभी दे देते हैं इनको खाना और वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। तो बस कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, है ना आदि। और तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और कहनी है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, है ना आदि। तो बस कल मिलते हैं आपको सुंदर से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, आई लव यू।